मोदी सरकार के फैसले के बाद आज से लाल गाड़ियों पर लाल बत्ती नहीं लग सकती, लेकिन सरकारी अफसरों का लाल बत्ती का मोह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। महाराष्ट्र के डीजीपी सतीश माथुर की गाड़ी पर आज भी लाल बत्ती लगी है। इस वक्त मैं शिवाजी पार्क मैदान में हूं। यहां पर महाराष्ट्र दिवस के मौके पर तमाम अधिकारी मौजूद हैं। इन्हीं अधिकारियों की गाड़ी यहां पर मौजूद हमें दिखाई दे रही है, जो थ्री स्टार लगी हुई है। ये महाराष्ट्र के डीजी जो हैं सतीश माथुर की गाड़ी है, महाराष्ट्र पुलिस के मुखिया हैं ये। इनकी गाड़ी के ऊपर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये लाल बत्ती लगी हुई है। नए कानून, नए प्रावधान के मुताबिक, जो प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था कि कोई भी लाल बत्ती लगा के गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वीआईपी कल्चर पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। इसके बावजूद भी डीजी साहब की गाड़ी पर आप लाल बत्ती देख सकते हैं। आपको बता दें कि पुलिस और अग्निशमन दल, साथ ही एम्बुलेंस की जो गाड़ियां हैं उसमें येलो और ब्लू कलर की जो लाइट लगाई जा सकती है। पुलिस की गाड़ी मैं आपको दिखा दूं, इसमें ब्लू कलर की लाइट लगी हुई है। जबकि महाराष्ट्र पुलिस के मुखिया, जिन्हें लॉ एंड ऑर्डर पालने की, कानून व्यवस्था को बरकरार रखने की, साथ ही कानून के पालन करने की जिम्मेदारी होती है, उन्हीं की गाड़ी पर ये लाल बत्ती है। खुले तौर पर अगर हम कहें तो उल्लंघन किया जा रहा है भारत सरकार के निर्णय का। कैमरा पर्सन सागर के साथ अश्विन पांडे, इंडिया टीवी, मुंबई।